हाय नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशियोलॉजी। मेरा नाम शिवका अग्रवाल है। इस वीडियो में हम IIT कानपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी ज़्यादा बातें कवर करनी है। IIT कानपुर का रिटन एग्ज़ाम मैंने 14 जून को दिया था पिछले महीने, और मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई आगे के लिए, जो कि इंटरव्यू था। और ये मुझे पता था कि मैं नहीं हो पाऊँगी क्योंकि मैंने रिटन एग्ज़ाम बहुत ही बेकार दिया था। 1 घंटे का वो एग्ज़ाम था, उसमें क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये इनकी वेबसाइट है IIT कानपुर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ वर्कर्स पॉलिसी बनती है, जो आपके लेबरर्स होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है, ट्रेड यूनियंस होती हैं, थोड़ी बहुत उस पर भी स्टडी होती है। तो सोशल साइंसेज का अच्छा खासा एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है इसलिए मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगी, पर एक दो स्टूडेंट्स थे जिनसे बात हुई, वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो दे सेड कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम वर्कर्स इशूज़ पर बात कर सकें, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ फिट होता है। तो आप ज़रूर जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, आप इन 2-3 जगहों पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे आई ये इनकी वेबसाइट है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉम्पिटिशन कितना है। तो आप ये देखें, ये मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी, 45th नंबर पर मेरा नाम है, और यहाँ टोटल 81 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे। ठीक है, ये हुए थे कि कौन रिटन एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद जो सेलेक्ट हुए, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे वो कितने थे आफ्टर इंटरव्यू, वो 6 थे। तब देख सकते हैं 81 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स फाइनली मेड देयर वे टू IIT। तो इसलिए मैं हर वीडियो में इंसिस्ट करती हूँ कि कॉम्पिटिशन एक्चुअली गेट एग्ज़ाम नहीं है, वो तो है ही, वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। उससे आगे की चीज़ है कि जितने भी आगे आपके रिटन एग्ज़ाम आए IIT के, जितने भी अगर आपके इंटरव्यू आए, अगर आपसे प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगा गया है, तो वहाँ पे आप कितना स्ट्रांग अपने को लीड करते हो, कितने स्ट्रांगली आप अपनी एप्लीकेशन आगे रखते हो। तो इसलिए गेट पर ध्यान दें, पर इन चीज़ों को भी कंसिडर करते रहें। एक और अच्छी बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है कि IIT कानपुर के जो 2 फैकल्टीज़ हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, ह्यूमैनिटीज़ इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। मैंने ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये देखी है, मैंने ये कोर्स भी किया था, तो ये अच्छा है। वन कैन गो अगर आप फ्री टाइम में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप IIT कानपुर के प्रोफेसर से घर बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये जो ह्यूमैनिटीज़ इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी है ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप YouTube पे अगर सर्च करेंगे IIT कानपुर सोशियोलॉजी टाइप करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। रिटन एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर था, अब देखिए, पहले तो रिटन एग्ज़ाम 2 टाइप के स्टूडेंट्स दे सकते थे, जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है या जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा कि सोशियोलॉजी में मास्टर्स होना कंपलसरी नहीं था IIT कानपुर में, और ऐसे और भी IITs हैं जहाँ पे मास्टर्स होना कंपलसरी नहीं है। आपको पता है गेट क्यों आया है सोशियोलॉजी में या दूसरे 5-6 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अब IITs वॉन्ट कि वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़े, सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग ही ना रहे, उसमें हम सोशल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी कर सकें कि साइंस का सोसाइटी पे क्या असर पड़ा एंड वाइस वर्सा। इसलिए कि आपके पास मास्टर्स हो ही हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 डिफरेंट इन्होंने क्राइटेरिया रखे थे कि जिनके पास सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है, जिनके पास नहीं है। तो जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा डिटेल सिलेबस था, ये सब आप खोल के देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो एग्ज़ाम था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो पेरे बुर्दो के 4 कैपिटल्स हैं उनको एजुकेशन से कनेक्ट करना था, और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना था, COVID-19 के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट
करना पड़ा। अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो घर बैठ के डिजिटल जो एजुकेशन मिल रही थी उसको ले सकें, बिकॉज सबके पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। तो यहाँ कैसे किस तरीके से आपके जो फोर कैपिटल्स हैं जो पीर बुर्दो ने दिए हैं वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहे थे, तो बेसिकली आपको जो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अप्लाई करनी थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि सुनने में आसान है, अभी हम सोच लेंगे, 15 मिनट सोच लेंगे, फिर लिख लेंगे। वहाँ पे आपको ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस करने थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा क्वेश्चन था मॉडर्निटी पे, जो जनरली आप सोशियोलॉजी की स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हो, तो उस पर लिखना कंपैरेटिवली आसान था। तीसरा क्वेश्चन था कि आपको COVID-19 से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको 3-4 कुछ क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करने थे और ऑब्जेक्टिव बताना था। तो अगेन ये वहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करने वाली बात आ गई। आपसे इन लोगों ने प्रोजेक्ट प्रपोजल तो मांगा नहीं था, तो वहाँ पे ये देख लिया क्या आप एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोजल बना सकते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पीर बुर्दो का, सेकेंड मॉडर्निटी पे, और तीसरा पूछा था कि आपको रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं। और जो 2 अलग क्वेश्चंस थे वो बेसिक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, जैसे आपको एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सब पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो सुनी होगी उसमें मैंने बताया है कि बाद में मैंने IIT कानपुर की ना वेबसाइट थोड़ी एक्सप्लोर करनी शुरू करी। और जब मैंने एक्सप्लोर करी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि IIT कानपुर का जो सारा अभी का काम है, रीसेंट जो वर्क है, वो हो COVID-19 पे ही रहा है। तो आप ये देखें, पेपर आया है जो रीसेंट पेपर है एकेडमिक आर्टिकल्स में, द COVID-19 पैंडेमिक एंड इंडियन आर्ट, COVID-19 एंड प्रोहिबिटिंग स्पिटिंग इन पब्लिक। तो आपको यहाँ से आप सारे देखें, तीसरा भी COVID-19 पे ही है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि COVID-19 पे IIT कानपुर काफ़ी स्टडी कर रहा है, और COVID-19 जो है वो आने वाले टाइम में सब लोग अब उस पर ही ध्यान देंगे कि भाई COVID-19 से क्या क्या सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें चेंज आया, वेदर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, जेंडर में आपका डोमेस्टिक वायलेंस हमने देखा कि बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें ना, ये थोड़ा आपको मतलब प्रैक्टिस करते हुए टाइम, आप कोई से भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप सोशल फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि COVID-19 को आप कैसे एक सोशल फैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आपको ये थोड़ी मेंटल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ने अपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन पब्लिश कर रखे हैं, वो जाएं सर्च करें और उनकी प्रैक्टिस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं से आपको UPSC के क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एंड जनरली वो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी देखता है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जब मैंने इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने ये शेयर किया था कि गेट का जो एग्ज़ाम है ना, दैट इज़ मोर अबाउट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आप कितना कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, वेयर एज जो नेट का एग्ज़ाम है वो थोड़ा ना रटने वाला है, किसने कौन सी किताब लिखी, किताबों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, यहाँ पे वो सब नहीं पूछा जाता। तो व्हेन यू आर राइटिंग IIT कानपुर का एग्ज़ाम, और लेट्स से IIT बॉम्बे में आप अगर MPhil करना चाहते हो तो वहाँ आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ना आंसर्स लिखने आते हों, आपको कंसेप्ट जो हैं वो अप्लाई करने आते हों। तो अब ये गेट के एग्ज़ाम की तैयारी से अलग आपको ये तैयारी भी करनी है, अगर आपको IIT कानपुर में अपने लिए सीट चाहिए और किसी भी IIT में अपनी सीट चाहिए, इस तरीके से भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपने गेट के लिए कंसेप्ट्स पढ़े, PhD के एडमिशन के लिए, एडमिशन प्रोसेस को क्लियर करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करें, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करें, और साथ में अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी वर्क करें, नहीं तो वो जो 2 चीज़ें हैं वो तो हो जाती हैं, और तीसरे में दिक्कत आती है जहाँ पे बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं। मैं भी रह गई, मैं यहाँ पे अपनी कोई बहुत सक्सेस स्टोरी तो शेयर कर नहीं रही हूँ, पर आप लोग मुझे सुनते हो तो मुझे यहाँ से एक वो जो सीरीज़ आई थी UPSC एस्पायरेंस वाली, वहाँ से मुझे वो याद आता है कि वो प्रोफेसर जो थे उन्होंने बहुत बार वो फेल हुए थे अपने एग्ज़ाम में, तो उनके पास ये एक्सपीरियंस था कि भाई क्या नहीं करना।
तो जो मैं बता रही हूँ इसको एक बार मतलब थोड़ा ध्यान देके, जितना भी मैंने यही बोला है हर जगह कि अपनी वेबसाइट एक्सप्लोर करो, पहले से पता रखो, अप टू डेट रखो अपने आप को, और ये जो कॉन्सेप्ट्स को लिखने की है ना, ये प्रैक्टिस करो कि कैसे हम इनके बारे में लिख सकते हैं, रियल केस जो हमें सिनारियोज मिलते हैं उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू स्टार्ट राइटिंग कि तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे दिया और फिर तुम उस पर ऐसे लिख दो, बहुत मुश्किल है. एंड इट विल ऑल्सो बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. ये सब करें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.